भूमि आर्ट एकेडमी, नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस के उपलक्ष्य में 500 छात्र छात्राओं के बीच में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आपको यह भी बता दें, 1999 से लेकर के अब तक लगातार ये अनगिनत बच्चों को चित्रकला का कला कौशल अब तक भूपेन बर्मन जी सिखा चुके हैं। साथ ही साथ यह बच्चों को अभी के समय में समाज में कोर के तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कैसे रोकथाम किया जाए, जो कि एक चिंता का विषय है, वह मानव तस्करी से अपना रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत बच्चों को बताते हैं। आज उनके पाठशाला में अनगिनत लोग उपस्थित हुए थे, अभिभावक अपने बच्चों के साथ, समाज सेवी, शिक्षकगण, दिलीप बर्मन जी जो वार्ड काउंसिलर हैं, और नृत्य गान के साथ साथ और भी बहुत सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट को देखते हैं और चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। स्वागत है दादा आपका। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में भूमि आर्ट्स अकादमी के माध्यम से जो हो रहा है, इसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भूमि एकेडमी आज नहीं, बहुत साल से कर रहा है। बच्चे लोग को जो आर्ट कंपटीशन है, ये आप आर्ट को इतना दखल समझ से लिया हुआ है, जो कि देखिए आज के जेनरेशन को अगर छोटे में से अगर कोई बच्चा को हम लोग तैयार नहीं करेंगे तो बड़े होकर कुछ तैयार नहीं हो पाएगा। जैसे पढ़ाई का साथ साथ में आर्ट कंपटीशन भी चाहिए, खेल कूद भी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, जो कि ये आर्ट का माध्यम से बहुत कुछ कर भी सकता है। आप इसका ये आर्ट कंपटीशन में बाद में स्कूल में नौकरी भी पा सकता है, तो इसीलिए एक काम का जो एक बढ़ता है वो भी होगा। दूसरे तरफ जो कि अपना माइंड भी फ्रेश रहेगा, बच्चे को अगर माइंड अगर फ्रेश रहेगा तो आगे वाला दिन में उसका पढ़ाई अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो भूमि एकेडमी जो कर रहा है तो बहुत सही ढंग से काम कर रहा है। मैं जनता को इतना ही बोलूँगा कि इसमें जितने आप ही लोग का बच्चे हैं, इनको भी आप लोग आर्ट सिखाइए और अच्छे ढंग से सिखाइए, जो कि आने वाला दिन में आपका बच्चे और अच्छा हो, हमारा समाज के लिए अच्छा हो। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यही। बोलो दादा, आज के की प्रोग्राम में की बोलबे, की प्रोग्राम छिलो? नमस्कार, আমি ভূমি আর্ট একাডেমির কর্ণধার ভূপেন বর্মন। আমি প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমি শিশু দিবস উদযাপন করি, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও। তো সেখানে শিলিগুড়ি থেকে প্রতি বছরই আমার দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট আসে, তারা এখানে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং তারা জানে যে এখানে সুন্দর একটা অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে পড়াশোনার সাথে সাথে যে ছবি আঁকার যে একটা মাধ্যম, যে শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের একটা শিক্ষা দরকার, যে কোনো শিক্ষায় শিখুক না কেন, তারা যাতে সেটা ভালো মতন শিখে। তো আমি আমার আর্টের জগতের লাইন থেকে আমি বলছি যে আর্টের একটা লাইন আছে, এটা যদি ভালো মতন করতে পারে তারা, একটা একদিন ভবিষ্যতে অনেক কিছু করতে পারবে। অতএব সেটা মনোযোগ সহকারে শিখতে হবে, এবং যেগুলো শেখানো হবে সেগুলো মন দিয়ে শিখবে, এবং আদার্স এক্সেট্রা অন্য অন্য জায়গায় কম্পিটিশন যেগুলো পার্টিসিপেট করেছে, এখানে আনুমানিক 400-500 বাচ্চা এখানে পার্টিসিপেট করেছে আর কি। তারা কোথাকার রয়েছে? এখানে শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাচ্চাগুলো আসছে আর কি। মুখ্য অতিথি কে কে এসেছিল এখানে? এখানে মুখ্য অতিথি আমাদের রয়েছে 46 ওয়ার্ড নম্বর কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন, এবং শিলিগুড়ি গেটার লায়ন্স ক্লাবের আমাদের হচ্ছে রবীন্দ্র জৈন, হ্যাঁ, আমাদের এখানকার পঞ্চায়েত জগদীশ রায়, এবং আমাদের শিলিগুড়ি স্কুলের টিচার, হ্যাঁ, এই গৌতম স্যার মহাশয়, এবং এখানে জাজমেন্ট হিসাবে উপস্থিত আছেন আমাদের তারাশঙ্কর দেবনাথ আর্টিস্ট, হ্যাঁ, আর হচ্ছে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিপদ ভঞ্জন শিকদার, গোল্ড মেডেলিস্ট এবং আর্টিস্ট, তিনি আমাদের এখানে জাজমেন্ট হিসাবে উপস্থিত আছেন। এছাড়া অনেকে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এখানে। भूमि आर्ट्स एकेडमी केवल और केवल बच्चों को चित्रकला का प्रशिक्षण ही नहीं देता, अपितु वह समाज को एक ऐसा संदेश भी देता है जो आज प्राकृतिक
का स्थिति बहुत ही भयावह है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि ठंडे के महीने में जिस पैमाने का ठंडा पड़ना चाहिए वह नहीं पड़ रहा है। इसका असर भूमध्य तापक्रम, जिसे अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसके मद्देनज़र समस्त आए अतिथियों को, पदाधिकारियों को एक एक पौधा भेंट किया और यह संदेश दिया कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पौधा वृक्षारोपण लगाएं, ताकि आने वाला प्राकृतिक आपदा से अपना और विश्व का रक्षा किया जा सके। क्योंकि पौधा एक ऐसा साथी है जो निस्वार्थ प्यार करता है हमसे, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक्चुअली আমাদের চম্পাশরী অঞ্চলের অন্তর্গত সমন্বয় করে ভূপেন বর্মন একটা ব্যতিক্রমী নাম, সবসময় বিভিন্ন সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে এবং নানা গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূপেন বর্মনের অনেক বড় অবদান রয়েছে। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রায় 500 ক্ষুদে বাচ্চা শিশু তারা এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। এটা একটা বিপ্লব আমি মনে করি আমাদের এই অত্র অঞ্চলে, এবং সার্বিকভাবে আমাদের এই ভূমি আর্ট একাডেমির কর্ণধার তথা এবং ভূমি আর্ট একাডেমির সার্বিক সাফল্য কামনা করবি। ভূমি আর্ট একাডেমি আরও এগিয়ে যাক, সমাজের জন্য আরও কিছু করুক, গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে এই কচি কাচাদের, এদের মধ্যে যে সৃজনশীলতা, এদের যে প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তার প্রতিভা আরও জাগ্রত হয়ে উঠুক এবং দেশের জন্য, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য তারা তাদের নিজেদের পরিশ্রম, নিজেদের ভালোবাসা তারা তুলে ধরুক। আপনার নাম? আপনার পরিচয়? আমার নাম জগদীশ রায়, আমি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বয়।